हम पृथ्वी संप्रददे महाराज जी लो, और बस एक पद में धरती लोग, दूसरे में आकाश, तीसरा पद कहाँ रखूं। बलि महाराज जी कहने लगे, महाराज जी मेरे शीश पर रखिए। और फिर भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा दिया, राजा बना दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। नमः स्कंद में पूरी राम कथा है, पर भगवान के वंश का वर्णन कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य का नाम ही वैवस्वान है। इन्हें वैवस्वत मनु भी कहते हैं। इनके घर एक बेटा पैदा हुआ सुदुम्न। सुदुम्न गलती से शंकर जी के आश्रम में चले गए, तो कहते हैं 15 दिन के लिए बालिका, 15 दिन के लिए पुरुष। मन में बड़ी गिलानी है, प्राणों को त्याग दिया। वैवस्वत मनु को बड़ी चिंता हुई, 10 बेटा पैदा और हुए। सरयाती जिनमें बड़े हैं, सरयाती की बिटिया का नाम है सुकन्या। और एक बार सुकन्या को साथ में लेकर के शिकार खेलने गए। जंगल में क्या देखा सुकन्या ने, एक पामी बनी हुई है, दो आंखें जैसी दिख रही हैं, खाड़ी उठाई और आज महाराज जी की आंखों में लगा दी। तो कहते उस समय उस पामी में चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, दोनों आंखें फूट गई। चवन ऋषि नाराज हो गए। सुकन्या ने कहा, महाराज जी श्राप मत दो, बल्कि आपकी आंखें चली गई, अब मैं आपकी आंखें बनूंगी, आपके साथ विवाह करके मैं आपकी सेवा करूंगी। चवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह हुआ। अश्वनी कुमारों से सुकन्या ने अपने पति की आंखें वापस करवा दी इलाज से। इन्हीं के वंश में हुए प्रतापी राजा नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, और अम्बरीश महाभागा। 11 व्रत करते हैं, सबको करा दे। 11 व्रतों में 11 सर्वोपरि है, सबको रहना चाहिए 1 महीना में 2 बार। पर विधान है कि 1 दिन पहले से अन्न छोड़ देना चाहिए, 1 दिन बाद तक। पर अगर द्वादशी के बाद में त्रियोदशी लग रही है तो द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। उसी दिन दुर्वासा आ गए, द्वादशी के बाद त्रियोदशी, अम्बरीश चरणोदक पी रहे थे। इतने में कृत्या को पैदा कर दिया दुर्वासा ने। कृत्या खाने दौड़ी अम्बरीश को, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला के दुर्वासा ऋषि के पीछे चला। दुर्वासा आगे, चक्र पीछे, तीनों लोकों में घूमे, यहाँ तक भगवान विष्णु की शरण में भी गए। पर भगवान कहने लगे, अहम भक्त पराधीना, जिसका अपराध किया है महात्मा उन्हीं की शरण में जाओ, अगर अम्बरीश ने क्षमा कर दिया तो मेरी तरफ से भी क्षमा है ही। 1 साल बाद अम्बरीश की शरण में आए हैं, पर अम्बरीश पहले ही चरणों में लेट गए। महाराज जी 1 साल से मैंने कुछ नहीं, आओ दोनों साथ भोजन करेंगे। तब दुर्वासा को पता चली कि भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। और समुद्र समुद्र सेतु बांध रघुपति गए, लांघ गए हनुमान। इसलिए भक्त की महिमा उजागर हुई। इन्हीं के वंश में हुए युवनाश। युवनाश में तो कोई बेटा नहीं थे। वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से अभिमंत्रित जल एक लोटे में रखा, सुबह रानी को पिलाएंगे, पर शाम को राजा को प्यास लगी और राजा ने वो जल पी लिया। बालक राजा के पेट में ही आ गया, पेट को चीरा, राजा का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा मानधाता। दुग्ध कौन पिलाएगा, इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली मुंह में रख दी, इसलिए नाम मानधाता। मानधाता के हुए मुचकुंद, मुचकुंद के हुए त्रिवंदन, त्रिशंकु, और इन्हीं के वंश में हुए हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को सपने में किया दान, तीनों काशी के बाजार में बिक करके और दान चुकाया। इन्हीं के वंश में हुए बाहुक के हुए सगर, सगर की 2 पत्नियां सुमति और केसनी, केसनी से हुए असमंजस, और सुमति से एक मांसपिंड जिसके 60,000 टुकड़ा कर दिए। वशिष्ठ जी ने मंत्र से 60,000 बेटा बना दिया। पर यज्ञ किया, घोड़ा इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि ने कहते हैं घोड़ा को ढूंढते हुए सगर के 60,000 बेटा गए हैं और मारने दौड़े कपिल मुनि को, जो आंखें खोली तो 60,000 बेटा जल के राख हो गए। कैसे उद्धार होगा, असमंजस ने तपस्या की कपिल भगवान की, कैसे उद्धार होगा मेरे भाइयों का। कपिल भगवान ने कहा, अगर गंगा मैया आए तो इनका उद्धार हो सकता है। गंगा मैया तपस्या की, असमंजस ने, गंगा नहीं आई। उनके बेटा अंशुमान ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा दिलीप और दिलीप के बेटा भगीरथ ने तपस्या की, तब मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया आई। आज है मकर संक्रांति और कल है स्नान की, ध्यान देना।
धनु राशि से आज सूर्य देवता मकर संक्रांति में आ रहे हैं रात को 2 बजे, इसलिए स्नान का पर्व है कल 2 बजे। सूर्य उपासना के रूप में ये पूरे भारत वर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य भगवान की सेवा, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। ध्यान दें, सूर्य दक्षिणायन में क्या है कि धरती से सूर्य दूर चले जाते हैं, इसलिए रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं जो अभी, लेकिन अब कल से अब उत्तरायण में सूर्य आ रहे हैं, इसलिए अब दिन बड़े होंगे, रात छोटी। इसलिए मतलब अंधकार हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है, जीवन में हमारे सूर्य देवता प्रकाश लेकर के आए, इसलिए हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। जाना कहीं भी तीर्थ स्थान में स्नान करना और दान पुण्य गुड़ और तिल का तिल दान करने का तो विशेष महत्तम, हर जगह इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। भैया ध्यान देना, नेपाल में माघी संक्रांति के रूप में, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी नाम से 13 तारीख में ही मना लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में गंगा मैया में सब लोग स्नान करते हैं और दान पुण्य करने का विशेष महत्तम है। महाराष्ट्र में सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और सुहागनों को सुहाग की वस्तुएं दान में देती है। गंगा जी इसी दिन भागीरथ आगे आगे, गंगा मैया पीछे पीछे, ध्यान देना, इसी दिन और सागर के 60,000 बेटाओं का उद्धार किया और गंगा सागर में जाके मिल गई, बोलिए गंगा महारानी की। इन्हीं भागीरथ के वंश में हुए राजा खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु की कीर्ति इतनी फैली कि भगवान के वंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। रघु के बेटा हुए अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के बेटा हुए 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रकट हो रहे हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास हो गए। ससंख चक्रम सक्रीट कुंडलम तपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम सिरसा चतुर्भुजम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान राम जी के चरणों में वंदना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला दशरथ जी के द्वार बधाई बात नहीं, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बात नहीं, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बात नहीं, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बात नहीं। एक श्लोक में पूरी राम कथा कह रहे हैं भैया, अगर राम कथा आपको सुनना है तो 16 तारीख से भव्य राम कथा 9 दिन की ग्राम ताल केसरी में आप सभी पधारेंगे। आदव राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन ग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तटी रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। रावण को मार
मार करके भगवान आज सिंहासन पर बैठे विराजमान हो गए और राम राज्य की स्थापना हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दसम स्कंद में कथा आती है भैया, दसम स्कंद में अब हमारे भगवान का कहते हैं, भगवान के वंश का, चंद्र वंश का वर्णन। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के छह बेटा आयु, सतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। इसी वंश में हुए गाधी, गाधी की पुत्री का नाम है सत्यवती, विवाह हुआ ऋचिक मुनि से और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र और विश्वामित्र के बेटा हुए सौ। ध्यान देना, इसी वंश में हुए नहुष, नहुष के बेटा हुए छह, यति, अयाति, आयति, व्यति, कृति। ययाति का विवाह है देवयानी से हुआ और बेटा हुआ यदु, और यहीं से हमारे भगवान के वंश का नाम पड़ा यदुवंश। यदुवंश की तो यदुवंश के वंश में हुए महाराजा देवमीण और देवमीण की दो पत्नियां से अर्जन्य परजन्य, एक से हुए सूरसेन, सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव और अर्जन्य परजन्य से हुए नौ नंद कहलाए नवनंद। ध्यान देना, आज धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ा, गौ माता का रूप लेकर धरती ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरी भगवान से बात हो गई। भगवान ने कहा वासुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, मैं अपने गणों के साथ में शीघ्र धरती पर अवतार लेने जा रहा हूँ, धरती चिंता मत कर। इधर धरती को आश्वासन दिया देवताओं ने। उग्रसेन महाराज की पत्नी है, बगीचा में गई है, दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर पड़ी और गर्भ में आ गया कंस। कंस ने जब जन्म लिया तो ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी, महाराज जी ये बड़ा दुष्ट बालक है, ये आपके लिए तो अशुभ है, इसे यहाँ से निकालो। तो आज उस बालक को कांस में लपेट के एक पेटी में बंद करके यमुना में बहा दिया। इधर यमुना में वसुदेव के पिताजी सूरसेन स्नान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, बहती बहती वो पेटी आई, खोल करके देखा तो उसमें कांस में लिपटा ये बालक मिला, इसलिए नाम रख दिया कंस। पालने लगे, एक दिन नारद जी आए, कहने लगे महाराज जी तुम सूरसेन के बेटा नहीं हो, तुम तो इस मथुरा के राजा जो उग्रसेन है उनके बालक हो। शंकर जी की तपस्या करी कंस ने, तपस्या से शंकर जी ने एक धनुष दिया, कंस इस धनुष को ले जा, वैसे तो नारायण के अलावा इसे तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ देगा फिर वो तुझे छोड़ नहीं सकता, ले जा। कंस को धनुष दे दिया, कंस ने अघासुर, बकासुर, व्यमासुर, धनुकासुर, केसी, पूतना तमाम सेना बनाई और आक्रमण कर दिया मथुरा पर। सबसे पहले अपने बाप को जेल में बंद किया। जिनके यह आचरण भवानी ते जानी निश्चर सब प्राणी, जो जीते जी बाप मैतारी को दुख तकलीफ दे तो उन्हें औलाद मत कहना, वे राक्षस ही हैं सीधी सी। इसलिए जिनके सबसे पहले अपने बाप को, और आज अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करने जा रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह किया और दिखावा कर रहा है दुनिया के कि नहीं मैं बड़ा बहुत अच्छा हूँ, बड़ी दया है, बहन की विदा खुद करने जा रहा। भगवान ने कहा इस कपटी का चेहरा सबके सामने आना चाहिए कैसा है। उसी समय आकाशवाणी कर दी, ए कंस तू जिस बहन को बड़ी प्रसन्नता से छोड़ने जा रहा है, अस्यास तो अष्टमो गर्भ हो हंतायाम बहसे बुधा, इसी का आठवां गर्भ तेरी मौत का कारण होगा। कंस ने घोड़ा की लगाम छोड़ी, बहन के केस पकड़े, तलवार निकाली, मारना चाहता है पर वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए। धर्म पत्नी कौन, जो खुद धर्म करे, पति से धर्म करवाए और पग पग पर पति की, पति को पतन से बचाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। और पति कौन, जो संकट के समय अपनी पत्नी की रक्षा करे, वो ही पति। भगवान ने हाथ पकड़ा, महाराज जी बहन है आपकी, ये क्या कर रहे हो, दुनिया में बदनामी हो जाएगी आपकी, और सुनो इसके बालक से, हमारी बालकों से तुम्हें तकलीफ है, जितने बालक होंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा फिर कैद में हो जाओ, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डल गई, देखो आओ हाथों में हथकड़ियां। एक एक छह बेटा हुए कंस ने पछाड़ दिए, सातवें बालक के रूप में बलराम जी आए हैं।
भगवान को चिंता हुई योग माया से, कहा योग माया जल्दी से ट्रांसफर करो, गोकुल पहुंचाओ और रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो। बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी हो गया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए। और अब आठवें गर्भ के रूप में हमारे भगवान आ रहे हैं, सब देवता स्वागत कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रता सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। आज वो रात आ गई भैया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे कंस की कारागार में आज हमारे भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान।